बॉलीवुड स्टार सलमान खान की ईद के मौके पर रिलीज हुई भारत फिल्म के उपलक्ष्य में धर्मशाला निवासी या कहा जाए तो सलमान खान के फैन धीरज महाजन ने शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह में जहां पनवीर चक्कर विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, वहीं पूर्व सैनिकों व वीर नारियों को भी विशेष तौर पर बुलाया गया था। प्रसिद्ध सिने अभिनेता सलमान खान के फैन एवं व्यापारी धीरज महाजन ने सलमान खान की फिल्म भारत के रिलीज होने पर धर्मशाला में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। धीरज महाजन जो कि सलमान के बहुत बड़े फैन हैं और हर साल उनका जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सलमान की जो भी नई फिल्म आती है उनके रिलीज पर बड़ा कार्यक्रम करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सलमान खान की फिल्म भारत जो कि आज रिलीज हुई है, इसके चलते धीरज महाजन ने धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह में परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, वहीं पूर्व सैनिकों व वीर नारियों को भी विशेष तौर पर बुलाया गया था। धर्मशाला स्थित थिएटर में सलमान खान के फैन धीरज ने ये कार्यक्रम आयोजित करके जहां भारत फिल्म की रिलीज पर शहीदों के परिवारों के साथ केक काटा, वहीं शहीदों के परिजनों के साथ थिएटर में भारत फिल्म भी देखी। हम स्पेशल बच्चों को फिल्म दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। इस बार मैंने डिसीजन लिया था कि आर्मी के शहीदों की फैमिलीज के साथ देखने जा रहे हैं, तो और ये मेरी जिंदगी का सच में मतलब ऐतिहासिक दिन होगा। इससे बड़ा मेरी जिंदगी में कोई दिन नहीं होगा कि जो ये लोग हमारे साथ जुड़े, आर्मी के साथ हम जुड़े और इनके साथ मूवी देखना एक बहुत बड़ी बात है। और बस यही है, और जो यहाँ पर जो नारा एक लगा था वो एक बार फिर से साथ में लग जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सलमान खान से जुड़ना एक अलग बात है। हम चाहते हैं कि हर कोई किसी ना किसी का फैन बने और हर बार किसी ना किसी के साथ जुड़ता रहे, समाज के साथ जुड़ता रहे। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने कहा कि हम राष्ट्रवाद के साथ हैं। बालाकोट का जो कदम है सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के कदम काफी पहले उठाए जाने चाहिए थे। ऐसा पहले किया जाता तो पाकिस्तान जो हरकतें करता रहा है ऐसा नहीं करता। उन्होंने कहा कि गौरव की बात है कि हम अपने शहीदों को याद करते हैं। जो देश अपने शहीदों को याद नहीं करता उनका निशान मिट जाता है। उन्होंने कहा कि हम सलमान खान के धन्यवादी हैं जिनके दिल में शहीदों के लिए इतना प्रेम है। देखिए हमारे लिए तो खुशी का दिन है और गौरव का दिन है। विक्रम जी को आज 20 साल हो चुके हैं उनकी शहादत को, लेकिन उनका जो राष्ट्र प्रेम था और हमारे आज जो हम राष्ट्रवाद की ओर जा रहे हैं, हमारी सरकार जो है हमें राष्ट्रवाद की ओर ले जा रही है और हम सब इसी बात में विश्वास करते हैं। हम सब राष्ट्रवादी हैं और हमें अपने देश से प्रेम है, तो हमें इस बात का बहुत गौरव है कि हम अपने शहीदों को याद करते हैं और करना भी चाहिए। और जो देश अपने शहीदों को याद नहीं रखते हैं, मैं समझता हूँ उनका निशान मिट जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो विशेष रूप से सलमान खान जी का बहुत धन्यवादी हूँ और अनुग्रहित हूँ मैं उनसे कि वो इतना कुछ करते हैं और उनके मन में देश के लिए इतना प्रेम है और शहीदों के लिए इतना प्रेम है। हम उनके बहुत धन्यवादी हैं। देखिए सर, आज जिस तरह सरकार बनी है देश में, मोदी सरकार बनी है और आप यहाँ पर जो शहीदों के ऊपर जो उन्होंने श्रद्धांजलि को दी है, साथ ही जो यहाँ पर आतंकवादी हमले हुए हैं या कुछ हो रहे हैं उनके ऊपर टारगेट जो है। देखिए वी स्टैंड विद द नेशनल की और हम राष्ट्रवाद के साथ में हैं और जो अभी स्टेप लिए गए हैं जैसे वो बालाकोट का और उधर का जो एयर स्ट्राइक हुआ और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये सब बहुत अच्छा हुआ और मैं ये समझता हूँ कि बहुत पहले होना चाहिए था। अगर आज से बहुत पहले हुआ होता तो ये हरकतें जो बाद में वो करता रहा है पाकिस्तान में नहीं होनी थी। और ये बिल्कुल भी स्टेप लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा आतंकवाद को खत्म करने के लिए, हम इनके साथ हैं और ये बहुत अच्छा है। और सर गृह मंत्री जो शाह हैं उन्होंने भी पिछले कल जो बैठक की है कश्मीर मुद्दे के ऊपर, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बैठक के विषय में तो मुझे विशेष इतना ज्ञान नहीं है कि वहाँ पर क्या डिसाइड किया गया है या क्या बात हुई है, लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बड़े स्ट्रांग स्टेप लेने के मूड में है और किसी प्रकार भी उनको बख्शने के लिए हम तैयार नहीं है, ना हमारी सरकार तैयार है। कश्मीर मुद्दे को कैसे देखते हैं? कश्मीर का क्या हाल आप मानते हैं? कश्मीर का हाल यही है जी कि वो हमें, मुझे तो ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि
ये बातचीत से ये मसला हल होने वाला नहीं है, उसके ऊपर हमेशा दबाव बढ़ाने की जरूरत है और उस पर एक्शन लेने की जरूरत है जब तक कि वो मानता नहीं है। जी हाँ, लग तो रहा है लेकिन उसको हम छोड़ भी कैसे सकते हैं। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू और ये जो है इससे हम पीछे हट नहीं सकते हैं। कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री और जो है वो इसमें हम किसी प्रकार की डील बन नहीं सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 370 एक्सेट्रा की बात है, वो भी एक बहुत सोचने वाला इशू है और उसको भी जो है हमारी गवर्नमेंट देखेगी किस प्रकार से समाधान निकल। मैं समझता हूँ कि अभी नहीं है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।